हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना बताऊंगी, और इसे बनाना काफ़ी आसान है। आप जीरो बजट में इसे बना के तैयार कर सकते हैं, और अपने जो वार्डरोब है उसमें, जैसे आपके पास कम स्पेस है, छोटी वार्डरोब है, तो आप उसमें काफ़ी सारे कपड़े इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसी तरह के और भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर, और इन्हें बनाना काफ़ी आसान है, और हमने इसे बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बना के तैयार किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस हमारे घरों में रखे हुए होते हैं, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने लिया है एक इस तरह का, ये कैरी बैग है, जो कि कपड़े वाले बैग होते हैं ना, वो मैंने लिया है। तो सबसे पहले क्या किया है, जो इसका रेड वाला हिस्सा है ना, उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड से इसके दोनों, ये रेड वाला जो पार्ट है ना, वो अलग कर लिया है। और उसके बाद मैंने एक और कैरी बैग लिया है, जो इस कलर का है, थोड़ा क्रीम शेड में है। तो इसके भी मैं यहाँ से जो आगे वाला हिस्सा है ना, इसे हम कट कर देंगे, और पीछे जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसे भी निकाल देंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम इसे पूरा खोल लेंगे, और उसके बाद इसमें ये जो जॉइंट होता है ना, इसे भी हम निकाल देंगे। जॉइंट को, इसे हमें जो फैब्रिक है ना, पूरा इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखिए, पूरा हमारा कपड़ा निकल के आ गया है। और अब क्या करेंगे, इसे हम करेंगे डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करके हमें इसे कट करना है, यानी कि दो हिस्सों में हमें इसे कट करना है। तो इस तरीके से आपका जितना बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स हो ना, उसके हिसाब से आप पहले नाप लीजिए, उसके बाद उसे कट कीजिए। तो मैंने इसे मेजरमेंट कर लिया था, तो मुझे इतना ही चाहिए। तो मैंने देखिए, दो हिस्सों में दो स्ट्रिप्स बना ली हैं। उसके बाद इसे भी हमें सेम वैसे ही दो हिस्सों में कट करना है। और इसे करने से पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी स्ट्रिप्स है ना, ये रेड वाली, इन्हें हम निकाल लेंगे। और अब इसे हम कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें चार, ये देखिए, स्ट्रिप्स मिल गई हैं रेड कलर में। और अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बॉक्स को सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहर के साइड से अंदर के साइड आपको इतना रखना है कि नीचे दब जाए थोड़ा सा, और बाहर के साइड इतना एक्स्ट्रा है, तो हमें बाहर के साइड से इसे स्टार्ट करना है। तो पहले अंदर का साइज़ देख लें, अंदर आपका पूरा है या नहीं है, उसके बाद ही बाहर से इसे स्टार्ट करें बनाना। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन से इसे चिपका रही हूँ। आप चाहे तो फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं, बट ग्लू गन से ये इंस्टेंट चिपक जाता है और काफ़ी आसान लगता है इससे बनाना। तो इस तरीके से मैं इसे पूरा लगा दूंगी। तो बस इसी तरीके से हम इसे चिपकाते जाएंगे पूरी फिनिशिंग के साथ। अगर आपके पास इस तरीके के ये कैरी बैग नहीं है, तो आप इसकी जगह कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी पुराने कपड़ों का या नए कपड़ों का यूज कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। अब अंदर की साइड से हम पूरा इसे अच्छे से चिपका देंगे, इस तरह से, पूरा फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसे, और अब हम लगाएंगे रेड वाला। तो रेड वाले कपड़े को हमें देखो कितना नीचे से लगाना है, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, क्रीम शेड वाला, वो हमें इतना 1-1.5 इंच के बराबर दिखना चाहिए।
तो उसके नीचे से हमें इसे स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसे लगाते जाएंगे रेड वाले को। इससे एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और जो आपका ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होगा ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये भी हमने लगा दिया है और अब इसे नीचे के साइड हम इसे पूरा इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए पूरा हो गया है कंप्लीट। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं बीच में एक इसमें कार्डबोर्ड लगाऊंगी, तो पहले उसे मैं कवर करूंगी इस बैग से ही, जो मैंने बैग यूज़ किया है ना कपड़े वाला, उसी से मैंने इसको कवर किया है और अब इसको हमने बीच में से फिक्स कर दिया है। अब मेरे पास ये पुरानी लेस रखी हुई थी तो मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ ये दोनों कलर्स के बीच में, जिससे कि बहुत ही सुंदर सा एक लुक आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम DIY बनाते हैं ना, तो जो भी पुरानी चीज़ें हमारे पास रखी हुई होती हैं वो सभी यूज हो जाती हैं, तो हमें कोई भी ऐसा नई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ऐसी चीज़ यूज नहीं की है जो आपको मार्केट से लानी पड़े। तो आपके पास जो भी ऐसी चीज़ें रखी हों उन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे पे चारों साइड से लेस को लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इस पे लेस लगा दी है और ये बहुत सुंदर लग रहा है बनकर। और अब जो मैंने स्ट्रिप्स निकाली थी ये रेड वाले बैग से, तो वो मैं उनका यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं ये क्रीम शेड वाली ये स्ट्रिप्स लगा रही हूँ इस तरीके से। तो दो बना के तैयार करनी है मुझे। और अब एक्स्ट्रा जो इसमें लगा हुआ है ना उसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा हैवी हो गई है, थोड़े मतलब मोटी भी हो गई है और डिजाइन भी बन गया है। तो अब इसे हमें यहाँ पे लगाना है साइडों में हैंडल करके। तो आप पहले थोड़ा सा निशान लगा लें, उसके बाद इसे स्टिक कर दें। तो इस तरीके से हम दोनों साइड ये लगा लेंगे हैंडल, जिससे कि इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जो ये हमारा बनके तैयार हुआ है ना बॉक्स ऑर्गेनाइज़र, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अब इस तरीके से आप जितने चाहे ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं, चाहे तो इसमें फैब्रिक इसका यूज़ कर सकते हैं बैग का या फिर कपड़े का भी। तो ये देखिए अब मैंने क्या किया है कि कार्डबोर्ड लिया है, इसको मैं डबल कर रही हूँ इस तरह से, और उसके बाद इसे भी मैं कवर करूँगी उसी फैब्रिक बैग से। तो इसे देखिए बीच में रख कर हम इसे कवर कर देंगे पूरा, और इसे मुझे पार्टीशन बनाने के लिए यहाँ बीच में लगाना है। तो मैंने इसको बीच में स्टिक कर दिया है। और अब इसमें आप जैसे चाहे चीज़ें रख सकते हैं, तो मैं आपको इसमें कपड़े रख कर दिखाऊंगी कि आप कपड़ों को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है।
और काफ़ी स्पेसियस है, बड़ा है और सुंदर भी लग रहा है, जो कि हमने सारी जो भी घर में वेस्ट चीज़ें होती हैं ना उन्हीं से बना के इसको तैयार किया है। तो ऐसे और भी बना के आप तैयार कर सकते हैं और अपने जो आपकी वार्डरोब है उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम इसमें कपड़े रखकर दिखाते हैं। इस तरीके से आप अपने दोनों साइड कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कीजिए और दोनों साइड इसमें रख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि इस तरह की बास्केट आप अपनी जितनी चाहे आप अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं और इससे आपके कपड़े भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और जो आपकी वार्डरोब है वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। जो हमारी वार्डरोब होती है ना उसमें जो स्पेस होता है, जैसे कि हैंगर में हम जब कपड़े हैंग करते हैं ना उसके नीचे जो स्पेस होता है, तो वो हमारा अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता। तो आप बास्केट में इस तरीके से अपने कपड़े रखकर उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उस स्पेस को कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बास्केट बनके तैयार हुई है ऑर्गेनाइजर। अगर आपको पसंद आया है तो आप भी ऐसा बना सकते हैं और अपनी अलमरा को, अपनी वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।